सरकार की, योगी सरकार के अयोध्या में सड़कों के चौड़ीकरण की योजना के विरोध में अयोध्या के व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध दर्ज कराया है। तो वहीं जिला प्रशासन इस बंदी को लेकर जल्द कई व्यापारी नेताओं की गिरफ्तारी भी कर सकता है। रामनगरी में राम मंदिर निर्माण के साथ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर कई योजनाओं का प्रस्तावित किया गया है। इस योजना में अयोध्या के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण योजना है, इसको लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। अयोध्या के नया घाट क्षेत्र से टेढ़ी बाजार तक सड़कों के चौड़ीकरण में सैकड़ों संख्या में व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण व्यापारी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। इस योजना के विरोध में अयोध्या के व्यापारियों ने बाजार बंदी का ऐलान किया है, जिसको लेकर सभी दुकानें बंद है। अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों को ना ही प्रसाद उपलब्ध हो पा रहा है, ना ही अन्य कोई सामग्री खरीद पा रहे हैं। व्यापारी नंद कुमार गुप्ता ने बताया कि अयोध्या शहर के अंदर मुख्य मार्ग को फोर लेन और हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि परिसर पर दूलेन बनाए जाने की योजना है, जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों का दुकान और व्यापार समाप्त हो रहा है। शासन प्रशासन व्यापारियों की सुविधा को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके कारण आज सभी व्यापारी सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। अगर इसके विरुद्ध कोई व्यक्तिगत रूप से कोई दुकान बंद कराया था तो उसके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करेंगे, सख्ती से करेंगे, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतूंगा ऐसे मामलों में। और स्वेच्छा से सभी लोग दुकानें बंद किए हैं, जो वर्तमान में अभी दुकानें आप देख रहे हैं बंद है, उन लोगों से भी मेरी वार्ता हो रही है कि हम दुकान खोलेंगे, ऐसा नहीं है, समय अनुसार खोलेंगे, खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोग हनुमान मंदिर के पास जो प्रसाद की दुकानें हैं उसके लिए कितनी दुकानें खुली हैं, कितना आपने? और राम मंदिर के नज़दीक जो भी दुकानें हैं लगभग वहाँ पर खुली हैं, वहाँ प्रसाद बिक्री भी नहीं होती, जानते हैं आप, केवल बस वो थोड़ा बहुत प्रसाद जो पन्नियों में हमारे लसीदाना आदि प्रसाद मिस्त्री वगैरह की जो चलती वही चलता है, बाकी वहाँ पर सुरक्षा के हर पॉइंटों पर फोर्स लगे हुए और सभी से वार्ता चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा की जरूरत हमारी फोर्स चारों तरफ लगी, आप पहले से भी जानते हैं कि हमारी हर बैरिकेटिंग में ड्यूटियाँ लगी हैं, शहर के अंदर भी पैदल मार्च भी हो रहा है, इस तरह की कोई अभी हमारे सामने ऐसी कोई अव्यवस्था परिलक्षित नहीं हुआ जिससे कि हम लोग कोई कार्रवाई करें। स्वाभाविक रूप से आम जनमानस की तरह डेली की जिस तरह से हमारे रोज़ दर्शन पूजन हो रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं है। चौबीस फरवरी के विरोध में आज अयोध्या में विभिन्न बाजारों में अभूतपूर्व बंदी का माहौल है। व्यापारी समाज एक दूसरों पर इस अन्यायपूर्ण योजना चौबीस फरवरी का विरोध कर रहा है। व्यापारी समाज की एक मांग है कि जो इन्होंने विस्थापित करने का टेंडर जारी किया है उसको निरस्त किया जाए, पहले स्थापित करने का टेंडर जारी किया जाए, स्थापित की व्यवस्था बनाई जाए, उसके बाद हम लोगों को विस्थापित किया जाए। हम व्यापारी समाज 4000 व्यापारी से योजना से प्रभावित हो रहे हैं, 700 व्यापारी विस्थापित हो रहे हैं। शासन प्रशासन लगातार हम रोज कहा आपको दुकान पहले दुकान दिया जाएगा, दुकान के पीछे दुकान दिया जाएगा, लेकिन वो अपनी बात से मुखर कर एक फरमान जारी कर दिए हैं हम लोगों के विस्थापन का, जिसका व्यापारी समाज बृहद रूप से विरोध करता है। उसी प्रदेश में आज रामनगरी पूर्णतः बंद है। हम प्रशासन को आगाह करते हैं कि अगर 25 तारीख होने वाले टेंडर को निरस्त नहीं किया गया तो आगामी दिनों में रामनगरी में अनिश्चितकालीन बंदी किया जाएगा। धन्यवाद। व्यापारी समाज जिंदाबाद।